अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टाइमिंग विद नाज़िया। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर और हाफिज से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे की चकली, तो जिसे मुरकू भी कहते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची होती है, शाम के चाय के नाश्ते में, सफ़र में या छोटी छोटी भूख में आप ये खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और ये कैसे बनती है। फ्रेंड्स, मुरकू बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप राइस फ्लावर, चावल का आटा 1 कप मैंने लिया है, और ग्राम फ्लोर बेसन मैंने 1/2 कप लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी, वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड, 1/2 टीस्पून कैरन सीड अजवाइन, और 1 टीस्पून सेसमी सीड। तिल बहुत ही अच्छा लगता है उसमें, बाजार के मार्केट के भी जो चकली होती है उसमें भी होता है, और 1/4 टीस्पून हींग। फ्रेंड्स, अब मैं लूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल, आप बटर भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अपने हाथों की हेल्प से करेंगे इसको। अच्छा क्रिस्पी करना है तो अच्छा इसको मसलना होगा, ताकि ये ऑयल मसाले सब एक दूसरे में बाइंड हो जाए। और ये इंस्टेंट चकली है, बहुत ही आसानी से बनती है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप कभी भी बनाएं, नाश्ते में खाएं, सफ़र में खाएं, ट्रैवलिंग में आपको बच्चों को भूख लग जाती है, बड़ों को भी भूख लग जाती है, तो ये सब बहुत इजी मेथड वाले चीज़ हैं, जो आप रेसिपी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी मिक्स हो गई है। अब फ्रेंड्स, मैंने 1 कप हॉट वाटर लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स करेंगे। गर्म है पानी, इसलिए मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ, आप भी स्पून से पहले करें और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं, वरना फिर वो आपका जो डो है वो पतला हो जाएगा, और इसका जो डो है वो हमें ना तो बहुत टाइट और ना तो बहुत ही पतला रखना है, ये सेमी सॉलिड रखना है, बहुत सॉलिड भी नहीं रखना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं रखना है, तो सेमी सॉलिड रखना है, इससे हमारी चकली जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में नमक भूल गई थी मैं, तो मैं अभी इसमें नमक मिक्स कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर ले, ये स्टार्टिंग में ही करना है, बट मैं भूल गई थी। अभी तो मिक्स हो रहा है ये डो, तो आप अभी मिक्स कर सकते हैं, बट ये स्टार्टिंग में करना था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने डो तैयार किया है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको 5-10 मिनट के लिए रखेंगे। मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हम 5 मिनट रेस्ट को रखेंगे। फ्रेंड्स, इसको रखते हैं 5 मिनट के लिए और हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चकली बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस सांचे की, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और उसके लिए हमें फ्रेम चाहिए, ये वाली, ये स्टार वाली, तो इसको हम इसको मैं कर लूँगी हल्का सा ग्रीस, ताकि जो हम इसमें फिलिंग करेंगे वो इजीली निकल जाए। हम इसको अच्छे से फिल कर देंगे,
मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब हम ये जो आटा है इसको अब हम ऐसे थोड़ा पोर्शन लेके सिलेंडर शेप बनाएंगे, क्योंकि इसकी जो शेप है वो सिलेंडर शेप है। तो हम इसको बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, हम इसके अंदर इसको ऐसे डालेंगे। आप अच्छे से भर दें और ये प्रेस करके इसको लॉक करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बटर पेपर डाल रही हूँ ताकि चक्की जो है वो इजीली रिमूव हो सके। आप फॉइल भी रख सकते हैं या कोई भी प्लास्टिक रख सकते हैं। मैंने इसमें फिलिंग कर ली है। अब हम इसको ऐसे प्रेस करके इसे राउंड राउंड हमें निकालना है। ये लास्ट जो इसकी पॉइंट है इसको यहाँ पर हम मिला देंगे ताकि ये चक्की जो है फ्राई के टाइम खुले नहीं। इसी तरह हम सारी चक्की बनाते हैं। सर, हम सारी चक्की बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारी चक्की बना ली है। अब हम करते हैं ऑयल हीट। फ्रेंड्स, हम ऑयल को करेंगे हीट। हमारा तेल जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। ये टिप्स है क्रिस्पी चकली के लिए कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छा हीट होना चाहिए, लेकिन इतना भी हीट नहीं होना चाहिए कि धुआं निकले। बस फ्रेंड्स देखिए, अब ये डालने के बाद ये बहुत सारे बबल्स छोड़ रहा है और वो फ्लोट होने लग रहा है। तो ये सिचुएशन पे हमारा ऑयल रेडी है, हम फ्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हीट होने से भी आपकी जो चकली है वो ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर कच्ची रह जाएगी। तो अब हम चकली डालेंगे। हम अब फ्लेम जो है वो लो रखेंगे। लो फ्लेम में ही ये हीट कुक होगी, पूरी फ्राई होगी। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चकली माशाल्लाह अच्छी ब्राउन हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये एग्जैक्टली कलर है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी की चकली भी फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह चकली बिल्कुल रेडी है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आपको मैं एक तोड़ के बताती हूँ। इसकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे, इसकी क्रंची साउंड, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।